लेकिन थर्मल का प्रशासन जो है इस पर बात की सुध नहीं लेता और कच्चे कर्मचारियों को पहले भी मांग उठी थी कि हमें जो है ठेकेदारों के द्वारा कुछ भी नहीं दिया जाता, ना कोई पीएफ टाइम पे मिलता, ना कोई एसआईसी टाइम पे मिलता। हर सुविधा जो हमसे छीनने का काम किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। इस प्रकार से जो कच्चे कर्मचारियों ने पीछे कहा था कि हमने मांग भी उठाई थी कि हमें जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर डालने का काम किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन के द्वारा जो है अभी तक उन साथियों को भी हरियाणा कौशल निगम में नहीं डाला गया है। और इस प्रकार के जो इन्होंने बताया कि आपसे जो है पहले भी हो चुके हैं और इस प्रकार से जो है बहुत सारी समस्या जो कच्चे कर्मचारियों को देखनी पड़ती है। वो ठेकेदारी प्रथा के तहत ठेकेदार ना तो टाइम पे ईपीएफ देता, ना कोई ईएसआईसी जमा करवाता है और इस प्रकार से जो है मांग भी रखी गई है। तो ये देख लीजिए साथियों, इनके द्वारा जो है मांग रखी गई है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी हम छोड़ गए और जैसे नगर गेट लगा बैठे हैं और जब तक हमारे साथी को रोड का न्याय नहीं मिलता हम यहाँ पर बैठे रहेंगे और काम नहीं करा। तो इस प्रकार से देख लीजिए कर्मचारियों द्वारा जो है साफ संकेत दे दिया गया है कि जब तक हमारी मांगे जो है पूरी करने का काम नहीं किया जाएगा विभाग के द्वारा, तब तक हमारा जो है धरना प्रदर्शन इसी प्रकार से जारी रहेगा और जो भी कच्चे कर्मचारी को जो मौत हुई है उसको जो है 50 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए और परिवार को जो है एक नौकरी देने का काम किया जाए जिससे उस परिवार को जो है आगे परेशानी का सामना ना करना पड़े और इस प्रकार की जो भी ये कार्रवाई हुई है इस प्रकार के हादसे आगे ना हो तो इस पर भी जो है प्रशासन को सुध लेने का काम करना चाहिए और जो ठेकेदार प्रथा के तहत जो साथी रखे गए हैं इनको भी जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत डालना चाहिए जिससे जो है प्रशासन जो है थोड़ी बहुत सुध ले सके और कच्चे कर्मचारियों को जो भी फायदा मिलना है, अब जैसे सैलरी का फायदा है, ईपीएफ का फायदा है, ईएसआईसी का फायदा है, तो सब कुछ जो है इनको टाइम पर मिलता रहे। तो इसी प्रकार से जो इन्होंने मांगे रखी है और जो प्रशासन को जो है जल्द से जल्द सुध लेके जो है इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और इनकी मांग को जो है जल्द से जल्द मानने का काम करना चाहिए। तो आप सदर बस यही ताजा इन्फॉर्मेशन।